एक सुहानी शाम की बात है, आपके छगन प्यारे चश्मा पहनकर सो ही रहे थे कि अचानक हेलो डिटेक्टिव छगन स्पीकिंग। मैं जो कह रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनो। हाँ जी सुन रहा हूँ। गोवा में एक बड़े डब्ल्यू के नीचे, एक बड़े डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए हैं। 10 करोड़? यार आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मेरा तो बर्थडे भी नहीं है। क्योंकि I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। Anyway, thank you. मैं लेके आऊंगा ना। Lord, चलो go. अरे बंद कर दे, copyright claim आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है छगन, मन मस्त मगन और हम पहुंच चुके हैं गोवा। वैसे तो हम कल रात को ही आ गए थे लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। रात के बज रहे हैं 4, हम अभी पहुंचे हैं जहां पे हमको रहना था लेकिन ये लॉक्ड है और बहुत देर से फोन मिला के हम किसी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं जाग रहा है, घंटी बजा के थक चुके हैं। अब मैं गेट के एंट्रेंस पे ही लेट गया हूँ, और क्या करूँ भाई, आधा घंटा हो चुका है यहाँ वेट करते थक चुका हूँ भाई। आ जाइए, आप भी आ जाइए, बहुत जगह है, देखिए आप भी सो सकते हैं। कोई तो फोन उठा लो, घर खोल दो। हेलो। लेकिन अभी हम फाइनली घर के अंदर हैं और अब हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमको बड़े से डब्ल्यू के नीचे जो है खजाना ढूंढना है। जब हम छोटेपन में छोटे से ही थे ना, तब से हम अपने पिताजी को कह रहे थे कि पापा हमको स्कूटी ले दो, हमें स्कूटर ले दो, हमारे सारे मित्र सारे बाढ़क जो है वो झुम 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 करके इधर उधर घूमते रहते हैं स्कूटी पे, तो हमको भी ले दो। पर तब पापा कहते थे स्कूटी तो नहीं मिलेगी भैया, तुम एक्सीडेंट कर दोगे, तुम नल्ले हो। हाँ साइकिल मिल सकती है, वो भी बिना गद्दी की। तो आज मैं पापा को कहना चाहूंगा, पापा देखो गोवा में स्कूटर पे घूमेंगे हम। पिताजी लगता है सही कहते थे। वो देखो कुत्ता भी भौंक रहा है हम पे, क्या हो गया बेटा? इसके बाद छगन प्यारे निकल पड़े बड़े से डब्लू की तलाश में। उन्होंने बड़े से डब्लू को पूरे गोवा में ढूंढा, पहाड़ों के ऊपर, आसमान के नीचे, समुद्र के अंदर, प्लेग्राउंड में, झूलों के पीछे, उधर, पर फिर भी बड़ा डब्लू कहीं नहीं मिला। हेलो हेलो यार, एक बात बताइयो, बड़ा सा डब्लू कहाँ पे मिलेगा? उसके नीचे 10 करोड़ रुपए दबे हुए हैं, कुछ पता है तुम्हें? नहीं पता यार, तुम्हें 10 करोड़ रुपए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? अरे तुम्हें पता है बड़ा डब्ल्यू किधर है? चलो जब। इसके बाद छगन प्यारे ने सोचा कि क्यों ना गोवा के फेमस इंस्पेक्टर सिंघम की मदद ली जाए। तो गाइस यही वो जगह है जहाँ पे इंस्पेक्टर सिंघम जो है वो होते हैं। आंटी एक बात बताओ, इंस्पेक्टर सिंघम कहाँ मिलेंगे? वो तो मेरे को मालूम नहीं, मैं क्या बताऊँ। अरे आपने वो मूवी नहीं देखी सिंघम वाली? अमी बाजीराव सिंघम। भैया को पता होगा, भैया वो इंस्पेक्टर सिंघम कहाँ मिलेंगे? वो चड्डी बेच के भैया कह रहे हैं, वो चड्डी बेच के गाँव चला गया। गाइज मुझे लग रहा है भैया को काफी नॉलेज है, तो मैं भैया से ही पूछ लेता हूँ। भैया आपको वो बड़ा सा डब्लू पता है? खैर इंस्पेक्टर सिंघम तो मिले नहीं, पर बड़े से डब्लू को ढूंढने के लिए छगन प्यारे पहुंच गए वैगेटर बीच। तो गाइस बहुत ही घनी धूप है और मेरी कसम से पकौड़े बन चुके हैं, नाक का तो आप देख ही सकते हो क्या हाल हो रहा है मेरे। वैसे ही धूप में नाक लाल हो जाती है, डॉक्टर ने मना करा है और मैं जा रहा हूँ वगेटर बीच की तरफ। पीछे आप व्यू देख सकते हैं, व्यू बहुत अच्छा है। खैर अभी हम जा रहे हैं वगेटर। क्या भैया?
छल्ली तभी लूंगा अगर आप बताओगे बड़ा सा डब्ल्यू का है। डब्ल्यू बड़ा सा डब्ल्यू उधर नीचे है भैया, उधर नीचे बड़ा डब्ल्यू है। चलो फिर छल्ली आके खाता हूँ वापस आके। और ये हम बीच की तरफ बढ़ते हुए वाओ वाओ वाओ। अरे भाई क्या व्यू है यार, क्या नजारे हैं। मतलब कैमरा पे शायद तुम्हें समझ ना आए कि कितना सुंदर है, लेकिन अरे भाई मेरे को लगता है इन भैया को पता है कि बड़ा सा डब्ल्यू का है। भैया मेरे को बताओ क्या आपने बड़ा सा डब्ल्यू देखा है? हाँ हाँ, वो बड़ा सा डब्ल्यू जिसके नीचे 10 करोड़ आपने देखा है? हाँ हाँ। भैया कहाँ पे है? समुद्र के पास। समुद्र के उस तरफ? हाँ। पर वहाँ पे कैसे जाएंगे? आजा मैं दिखा देगा। भैया को पता है, आ जाइए। अरे तो बोल रहे हैं जेट स्की पे बैठ के जाना पड़ेगा। जा रहे। अरे भैया हम जिंदा तो बच जाएंगे ना। भैया भैया कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं भैया बस बस भैया बस भैया गलती हो गई, मेरा मुंह से निकल गई। अरे भैया मेरा मुंह से निकल गई, भैया मेरा मुंह से निकल गई। भैया भैया मैम मेरे को नहीं चाहिए 10 करोड़। मेरे को उल्टी करनी है, मैं आता हूँ। मुझे लगा नहीं था इतना मुश्किल होगा। हर झटके के साथ मेरे दिमाग में बस यही था, मेरा फोन गिर गया भाई, मेरा फोन गिर गया। बस किसी भी तरीके से सही सलामत, फोन भी सलामत पहुंच गए हैं कॉर्नर पे। भैया बिलीव नहीं हो रहा, आपसे मिल गया यार गोवा में। आप क्या कह रहे थे? कनाडा की पिक्चर में थी। हाँ हाँ श्योर। तेरे को पता है मैं कौन हूँ? कौन हूँ? मखदूमी और छगन। अरे आपको पता है, इसने पहचाना था मुझे दूर से ही। मैंने मेरे को दूर से पता चला। एक बार दांत दिखाइयो। अरे वाह ये क्या हुआ? छगन ने किसी को नहीं बख्शा, यहाँ तक कि जानवरों तक से पूछ डाला। बड़ा सा डब्ल्यू है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, आपको पता है किधर है? निकल यहाँ से, निकल। और तभी छगन की नजर पड़ी फुटबॉल खेलते हुए कुछ बाढ़ को पे। तुम पांच मैं अकेला, और मैंने दे दिया चैलेंज उन पांचों को कि अगर उनमें से कोई भी मेरे पैर से बॉल ले जाएगा तो मैं मूछे मुंडवा लूंगा, जो कि है ही नहीं। रेडी 3 2 1 स्टार्ट। देखिए पैर से बॉल निकालने की बात हुई थी, हाथों से नहीं। और इसी के साथ गोवा में दूसरा दिन भी खत्म हुआ, लेकिन अभी तक डब्ल्यू नहीं मिला था। गंगा सिंधु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र कन्हैया चरमणवती वेदिका। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। अभी हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि हमको जो है आज अंजुना बीच जाना चाहिए। बस फिर निकल पड़े हम अंजुना बीच की तरफ, लेकिन रास्ते में मुझे अंडरवर्ल्ड के 3 ऐसे खूनखार अपराधी दिखाई दिए जिन पे मुझे फुल डाउट था कि उनको डब्ल्यू के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता है। उनको पता है वो डब्ल्यू का है, तुझे पता है? वो देख उसको पता है, भाग रहे, उसको पकड़ो। कहां भाग रहे? तुझे पता है डब्ल्यू का है, कहां जा रहे? देख इसको पता है बड़ा डब्ल्यू का है, वो भाग गया भाग गया। Guys, I think इसको ही पता है सीक्रेट क्या है। और अब रुक ही नहीं रहा, भागी जा रहा है। इनको भी पता था, तेरे को पता है छोटू, अरे सारे भाग गया। मैं तो मजाक में पूछने आया था बड़ा डब्ल्यू क्या है, सारे भाग गए। अगर मेरे को बड़े से डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ मिल गए ना, तो मैं तेरे को 1 करोड़ दूंगा। अच्छा 2 करोड़ दूंगा। अच्छा 3 करोड़ दूंगा। तो कितना चाहिए? क्या पोपट बना दिया मेरा ये जमीन पे डब्ल्यू लिख के? अरे तू अपनी हाइट के हिसाब से ज्यादा नहीं बोल रहा? छोटे छोटे बच्चे हमारे मजे ले गए, वो तो बस मेरी जो पैंट है ना थोड़ी सी, भागता हूँ मैं जैसे तो नीचे गिर जाती है, तो उसको
संभालने के चक्कर में भाग नहीं पाया, वरना तो मैं भाग के पकड़ लेता उस छोटू को। ऐसा थोड़ी ना कि मेरा वजन बढ़ गया और मैं भाग नहीं पाता, ना ना। अंजुना के रास्ते में अपनी प्यास बुझाने के लिए मैंने गन्ने का जूस लिया, लेकिन गन्ने वाले भैया ने मुझे बताया कि उनको डब्ल्यू की लोकेशन पता थी, तो मैं उनके पीछे चल दिया। तो गाइस, गन्ने वाले भैया जो है वो बोले समुद्र पार जाना पड़ेगा कल की तरह, तो एक बार फिर से आ गए हम। कल वो बूम बूम स्कूटर पे गए थे, आज उड़ के जाएंगे। अरे कैमरा वाले फोन ना कि रेडियो हमारा, उनको आसमान में उड़ाने वाले हो हम, ठीक तो रहेंगे ना, मर तो नहीं जाएंगे। गोवा में है तो हमारा काम है, आपको सेफ्टी से लैंडिंग है ना, आप खाली खुश हो गए जाओ गोवा में। और भैया समुद्र के उस पार हमें बड़ा सा डब्ल्यू मिल जाएगा ना, पूरा व्यू मिलेगा, पूरा ऊपर जाएगा। व्यू नहीं, डब्ल्यू, डब्ल्यू मिलेगा ना, डब्ल्यू मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा। ये चलो भैया उड़े फिर। अरे बाप रे, अरे मम्मी, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। ओ भाई, ओए स्वेयर, कम से कम 1-2000 feet ऊपर हूँ मैं। डीप ब्रीदिंग, एवरीथिंग इज फाइन। बस पहुंचने वाले हैं हम दूसरे और पे, बड़ा डब्ल्यू मिलेगा। अरे तेल लेने जाए, बड़ा डब्ल्यू नहीं चाहिए, बड़ा डब्ल्यू घर पहुंचा दो मेरे को, बस सही सलामत हो गया मेरा। Few inches later, मैं जिंदा हूँ और मेरा फोन भी सही सलामत है। I've done it again, let's go. 2 hours later, आंटी कह रही थी लड़कियों की करते हैं ब्रीडिंग, लेकिन फिर उन्होंने बोला डब्ल्यू मिल जाएगा, तो मैंने कहा मेरी कर दो। आंटी जोकर तो नहीं बना रहे? कैसा लग रहा हूँ मैं भैया? क्या अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भी W नहीं मिला। मैंने सब कोशिश कर ली थी लेकिन W नहीं मिल रहा था। मैं तो हार मानने ही वाला था, बट तभी मेरे फोन पे एक मैसेज आया। ट्रिगर इंसान, भाई तू दीपक कलाल की जान है और दीपक कलाल तुझसे प्यार करे बथेरा, तो ट्रिगर इंसान जिस बड़े से W की तलाश में है ना, वो बड़ा सा W दीपक कलाल तेरी मदद करेगा ढूंढने में। भाई मेरे जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो मैं तुझे भेजूंगा, और भाई वो डब्लू जो है ना बड़ा सा, मैं तुझे दिला के रखाऊंगा, क्योंकि मेरी जान है तू और दीपक कलाल प्यार करे तुझसे। भाई दीपक कलाल ने सिस्टम पार्ट रखा गोवा में। लव यू ट्रिगर इंसान, मुझे टाटा कर जो, मुझे टाटा कर जो। या फिर दीपक सर के भेजे हुए कोऑर्डिनेट्स पे पहुंच गया मैं बड़ा सा डब्ल्यू ढूंढने। कोऑर्डिनेट्स तो इसी जगह के हैं, अरे पर अब यहाँ पर कहाँ ढूंढे बड़ा डब्ल्यू, ये तो बहुत ही बड़ी जगह है, यहाँ तो कहीं भी हो सकता है बड़ा डब्ल्यू, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, आसमान में हो सकता है, मंदिर के अंदर हो सकता है, ये बच्चा जो है ये भी हो सकता है बड़ा डब्लू। अरे तुम एक बड़ा सा डब्लू सुनी मेरा, बड़ा डब्लू, बड़ा सा डब्लू, बड़ा सा डब्लू कहाँ ढूंढे बड़ा डब्लू, डब्लू डब्लू। अरे यार डब्लू, अरे हम तो थक गए भाई, हमको तो नहीं मिल रहा डब्लू, इतनी देर से खोज रहे हैं, सब जगह देख डाला, मंदिर के इस तरफ उस तरफ हर तरफ, कहीं डब्लू मिल ही नहीं रहा है। क्या अरे मैया, ये तो डब्लू ही है। अरे कैमरामैन, तुम्हारी नजरें तो बहुत तेज है, अब यहाँ पे खजाना कहाँ ढूंढे, यहाँ तो बस ये एक रॉड पड़ी है और ये एक प्राइस टैग पड़ा है, इस पे लिखा है ₹10 का रॉड। अरे पर खजाना कहाँ है, ये तो सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, बड़े से डब्लू, वैसे डब्लू इतना बड़ा भी नहीं है, हम तो सोचे थे बहुत विशाल डब्लू होगा, ये तो छोटा सा डब्लू है जहाँ पर लिखा है बस ₹10 का रॉड। ₹10 का रॉड, ये 10 रुपए के रॉड माने 10 का रॉड।
लग गए। 10 करोड़ ढूंढने आए थे, 10 करोड़। अरे अरे बेटा, ये ले 10 करोड़ मेरी तरफ से, 10 करोड़ रखो, तुम रखो। अरे 20 रुपए की तो टोपी है, इसको भी छोड़ू 10 रुपए के रोड के लिए। अरे कैमरामैन, 10 करोड़ लुट गया। अरे मेरी 10 रुपए की रोड लेके भाग गया। अरे ये स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था बेटा, मेरी 10 रुपए की रॉड तो ला दे। वो भी मांगी हुई है किसी से। Anyways, guys, I hope you guys enjoyed Dhamal 4. If you did, make sure to like. I'll see you guys in the next vlog. It is me, Detective Chaggan, Chaggan Vlogger OP, signing out. Thanks for watching. Ek baar bol le yaar, thanks for watching. Thanks for watching.